धीमता
हरे 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 महादेव।
जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता है उसके लिए सद्भागी होता है। ये सच्चाई है, कटु सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते कि उस व्यक्ति के साथ वो ऊपर वाला होता है। वाणी में बड़ा सुंदर एक शब्द आया, दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। जो तुम रे रंग राति स्वामी, जो तुम रे रंग राति स्वामी, तिनका सतगुरु का दिलासा कोई मेट नहीं सकता महाराज। इसको एक बार हिस्सा बन के देखो तो सही है उसका। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन करके देखो आप आगे बढ़ोगे जीवन में बहुत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं बोली जी का। तकरीबन मुझे याद है कि जब भी यहाँ पर कथा होती बोली जी की एक दिन की हाजिरी जहां जरूर रही है। और सबसे बड़ा अभियान जो भगवान ने इनके हाथों से पूरा किया वो आपके अजनाला में कोई गौशाला नहीं थी। शुभारंभ जो हुआ वो बोनी जी से ही हुआ। और आज आपके क्षेत्र में कम से कम 170 के करीब वो गौ माता जिसको कोई देखता नहीं था कहते माता है। क्या कहते हैं? गौ माता। लेकिन माता का कैसा सत्कार होना चाहिए ये हमें नहीं पता। बड़े बड़े जागरण करवाते हैं, गौ माता का गुणगान करते हैं, लेकिन महाराज जो जीवंत माता है, जो हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है, जो घास फूस खा करके अमृत जैसा दूध पिलाती है, उस माता का हम अपमान करते हैं, उसके लिए हमारे हृदय में कोई जगह नहीं है। और मंदिर में जा करके माँ की मूर्ति के आगे मत्था टेकते हैं और बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के जाते हैं। वो माता भी कहती है तू मेरे दर पर आया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन वो आशीर्वाद कब फलीभूत होगा? जब जब मेरी बनाई हुई इस सृष्टि के अंदर यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक जीव की सुरक्षा तुम करोगे, उस दिन मेरी कृपा भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। ये बहुत सुंदर कार्य आपके इस क्षेत्र में हुआ। बोनी जी हमारा ज्यादा रहना मालवा साइड में रहता है ना, लुधियाना के उधर उधर हम ज्यादा जाते हैं। महाराज मैंने गौ माता की सेवा का वहां पर लोगों के अंदर जज्बा देखा, जज्बा। सुबह सुबह 4 बजे लोग अपने बड़े बड़े सेठ सेठानियां वहां पर पहुंच
पाती हूँ और कोई गोबर साफ कर रही है, रात भर का जो गौ माता ने गोबर किया है, कोई गोबर साफ कर रहा है, कोई चारा काट रहा है, कोई चारा डाल रहा है, कोई उनको पानी पिला रहा है। गौ माता का सेवा आपने अगर देखनी हो ना तो कभी उन गौशालाओं में जाकर के देखना जहाँ कम से कम हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार गौ माता रहती है। और उस क्षेत्र के एक संत हुए हैं, बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं, मोनी जी महाराज। उन्होंने कम से कम 150-200 गौशालाओं का निर्माण करवाया। अगर कष्ट होता हो तो ताली मार बजाया करें। मुझे तो इस बार ऐसे लग रहा है कि आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। मैं क्या कह रही हूँ, जो कह रही हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए कह रही हूँ। मैंने परसों भी कहा था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ आने का। ये पता नहीं इतने लोगों में से कौन सी ऐसी रूह बैठी हुई है जिसके ऊपर मेरे भोले बाबा की बहुत बहुत अति कृपा है, और उसकी फुकार पर जो संभव हो जाता है कि 5 दिवसीय ये धार्मिक अनुष्ठान आपके शहर में आ जाता है। पता नहीं कौन सी रूह है, विशेष भोलेनाथ के रंग में रंगी हुई रूह। कलयुग में कोई ये संभव है कि व्यक्ति संतसंग में आकर के बैठ जाए? और खासकर हमारे ये क्षेत्र जिनको धर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की बहुत कम नॉलेज है, हम लोगों को पता है आपको कर्म पद्धति क्या होती है नहीं पता, ज्ञान क्या होता है नहीं पता, धर्म क्या होता है नहीं पता, फिर भी मेरा भोला कितनी बड़ी कृपा करता है तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हें आकर के यहाँ बिठाने के लिए प्रेरित करता है। आओ बैठो दो घड़ी, यही तो जीवन का सार है हमारा। यहाँ रोज कोई ना कोई आ रहा है, विशेष अतिथि के रूप में आप सबकी मेरे भोले नाथ के विशेष अतिथि हो। भोले के दरबार में कोई साधारण व्यक्तियों को थोड़ी बुलाया जाता है, वो कोई साधारण थोड़ी है, वो अनंत है, वो अनादि है, वो असीम है, वो निराकार है, वो निराकार भी है, साकार भी है, वो निर्गुण है, वो सगुण भी है, और उसके दरबार पर आने वाले भी इन्हीं विभूतियों से शोभित है, तभी तो आप यहाँ बैठे। आप साधारण नहीं है, और जब ऐसे लोग आकर के बैठते हैं जिनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब इन्हें भी कुछ ना कुछ अंदर खाली दिखाई देता है। सोचते हैं चलो चलते हैं यार, थोड़ी देर वहां पर बैठेंगे, प्रभु चर्चा सुनेंगे तो थोड़ा मन को शांति मिलेगी। सही बात है कि नहीं? मन की शांति के लिए तुम लोग यहाँ आते हो, क्योंकि संसार में घूमते घूमते तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी जगह पर जाया जाए, कोई ऐसा स्थान ढूंढा जाए जहां बैठ करके थोड़ी देर चैन मिले। और जानते हो यहां बैठना भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है यहाँ बैठे। जब उसकी कृपा हो ना तो कहीं मन के अंदर ऐसा विचार आ जाए दो घड़ी बैठे किसके लिए, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे मानुष जन्म दिया,
पर चलना सिखाया, दुनिया का समस्त वैभव मेरी झोली में लाया, कोई कमी नहीं जिसमें रहने दी। वो कौन है भैया, कौन है वो? हम सब लोग ना एक यात्रा में हैं, जानते हो, हम सब लोग एक यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा के अंदर शरीर रूपी गाड़ी में हम लोग आए, यात्रा प्रारंभ हो गई। हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब इस यात्रा में कई यात्री मिलने हैं, कई यात्री मिलने लगे हैं। सबसे पहले यात्री मिले माता पिता, माता पिता यात्री मिले, फिर चाचा काका फूफा मासी फूफड़, पता नहीं कितने यात्री इसमें मिल गए, है ना। अब देखिए यात्रा आगे बढ़ने लगी है। यात्रा प्रारंभ होने से पहले ना मैं किसी को जानता था, ना आप किसी को जानते थे, लेकिन यात्रा प्रारंभ हुई, यात्री मिलते गए, और उन यात्रियों के साथ हमारा इतना मोह हो गया, इतना स्नेह हो गया, इतनी आसक्ति हो गई कि महाराज अब तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना मोह हो गया। महाशिवरात्रि का उत्सव है हमारे शहर में, पर उन यात्रियों को छोड़ करके हम यहां पर नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं, यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ती है महाराज, दादाजी का स्टेशन आ जाता है। इसका स्टेशन आ गया, दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर के गाड़ी से, आपने जाकर के उनको शमशान में विदा कर दिया, एक यात्री कम हो गया। यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी और महाराज आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, एक यात्री गया तो एक यात्री घर में आपके साथ और मिल गया। फिर थोड़ी यात्रा और आगे बढ़ती है, फिर पिताजी स्टेशन, पिताजी का स्टेशन आ गया, वो अपने स्टेशन पर उतर गए। फिर कोई तीसरा आपके घर में आ जाता है, किसी बहू को ब्याह करके ले आए, किसी ने जन्म ले लिया, फिर कोई यात्री आपके साथ जुड़ जाता है। संबंध आपका किसी के साथ नहीं है महाराज। यात्रा में हम लोग उतरे हैं और साथ सहयात्री हमारे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन विडंबना देखो, हमारी मूर्खता देखो, हमारी मूर्खता देखो, हमारा अज्ञान देखो, कितना बलवान है, कितना बलवान है। पता है सब यात्री है, पर इतना मोह उनके साथ हो जाता है, इतना प्यार उनके साथ हो जाता है, सब भूल जाते हैं, उस सत्य को ही भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि यात्रियों के साथ बैठो मत, मैं कहती हूँ समस्त यात्रियों के साथ जो जो आपको मिल रहे हैं, बड़ा प्यार से उनके साथ व्यवहार करो। व्यवहार करना बुरी बात नहीं। जो जो यात्री आपके इस यात्रा पथ पर मिल रहे हैं, बढ़िया व्यवहार करो उनके साथ।
होनी जी के हिस्से में सेवा आई है, बड़ी सेवा। मन से करना सेवा महाराज, ये परमात्मा चुनता है। ये सब चुने हुए यहाँ बैठे हैं, बिना चुना हुआ कोई नहीं, मेरे परमात्मा ने तुमको चुना हुआ है, इसलिए तुम यहाँ बैठे। खूब अच्छा व्यवहार करो यात्रियों के साथ, खूब प्यार के साथ सबके साथ बात करो, बोलो। लेकिन महाराज मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इतना मत मोह में फंस जाओ कि गाड़ी स्टेशन पर आएगी और काले कोट वाला कहेगा तुम्हारी टिकट यहाँ तक थी, उतरो अब यहाँ से, और तुम बातें करने में लगे हो यात्रियों के साथ, हैं? इतना मस्त हो उनके साथ कि टीटी धक्का मार करके आपको निकाले, तेरा स्टेशन आ गया, उतरता क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है ना? ये जितने भी लोग हैं सब यात्री हैं। अच्छा व्यवहार करो घर के अंदर, परिवार के अंदर, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, माता पिता बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सास बहू का आपस में अच्छा व्यवहार हो, सबका अच्छा व्यवहार हो। लेकिन जहां बात कहीं अपने धर्म धार्मिक अनुष्ठान की आए, जहां बात हमारे धर्म की आए, वहां पर महाराज और यात्रियों को भी कहो कि चलो, वो बहुत जरूरी है। यहां पर जो आ करके जो संगति मिलने वाली है वो हमारा वास्तविकता से परिचय करवाती है। यहाँ बैठना किस लिए है? हमारा वास्तविकता से परिचय होगा। तुम क्या हो, परमात्मा ने क्यों भेजा तुम्हें इस संसार में? बड़े सुंदर आज हमारे जे बच्चे आपके शहर के जो हैं, दीपक जी हो गए, कहाँ गया दीपक? हम लोग एक तो भजन का वो कर रहे थे, बुलवा की बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। दो मिनट के लिए समझो, हरे महादेव, हरे 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 हरे।
लगा करके बोलिए हरे हरे सरकार।
यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं बाबा जी का तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत सत्कार करती हूँ, इनका बहुत बहुत मैं वंदन करती हूँ, और इनका बहुत बहुत मैं यहाँ पर पहुँचने पर बाबा जी का स्वागत करती हूँ। सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने शायद कभी सुनाया था, संत को मिलने के लिए जाओ तो ये तुम्हारा प्रसाद, लेकिन संत तुम्हारे घर पर पहुंच जाए तो ये मेरे प्रभु की सबसे बड़ी कृपा। ये कृपा है भोलेनाथ की कि हर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जब यहाँ पर शिव मंदिर अजनाला एवं सदगुरु सेवा ट्रस्ट की ओर से ये 5 शाम भोले बाबा के नाम कार्यक्रम रखा जाता है, तो बाबा जी अपनी कृपा को लेकर के सारा साल बाबा जी आपके लिए झोली भरते रहते हैं अपने पास, यहाँ आकर के आप लोगों पर इस कृपा का परिवर्षण करते हैं। कर ध्वनि जितनी होनी चाहिए ना, कर ध्वनि इसकी ध्वनि जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, कुछ ज्यादा ही सुस्ती आ गई। और बाबा जी के साथ बाबा जी के बहुत प्यारे, इनकी प्यारी प्यारी संगत, प्यारी प्यारी रूहें, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरो मन की सुनो सरकार, मेरी नींद की सुनो सरकार, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, मेरी नींद की सुनो सरकार, तेरी मेरी तोड़नी बजाए। क्या बातां सरकार दियां, तोड़ी भाइयां क्या बातां सरकार दियां, अरे कौन करेगा हरीसा जगते ते पोले दे दरबार दियां, ते तेरी तोड़ी बजाए, जरूर हो ये सोनिया, हो सकता है
संसार का जाल, माया का जाल हो सकता है मुझे तेरे दर पर आने के लिए बाधा डाले, लेकिन प्रभु मेरी यादों में तू हमेशा, मेरी विचारों में, मेरी स्मृति में तू हमेशा, इतनी कृपा मेरे ऊपर जरूर कर। लख हो ये दूर मजबूर हो ये सोनिया, यार विच मसदे जरूर हो ये सोनिया, यार विच मसदे जरूर हो ये सोनिया। ऐसा जुड़ा होवे, ऐसा जुड़ा होवे, ऐसा जुड़ा होवे अपना प्यार तेरी मेरी जोड़ बने, ऐसा जुड़ा होवे अपना बाबा जी हमारा बहुत प्यार है। धर्म वो कहते हैं धर्म भाई बहन है, लोगों के बीच में ऐसा ही धर्म भाई बहन है। मैं कहती हूँ कि हम एक हैं, भाई बहन दो दृष्टि में मतभेद है इसलिए दो दिखते हैं, हम सब एक हैं महाराज। और देखिए प्रेम का प्रमाण, तुम लोग कलयुगी लोग हो ना, आपको हर बात का प्रमाण चाहिए। महाराज जैसे ही बाबा जी वहां पर पहुंचे होंगे, मैंने नहीं देखा, तब तक हम भजन शुरू कर चुके थे, तेरी मेरी तोड़ने बजे, तेरी मेरी तोड़ने बजे। कोई हलचल हुई, थोड़ी सी हलचल हुई, मेरे को संजीव कहने लगा महाराज जी बाबा जी आए। मैंने कहा देखो कैसा भजन शुरू किया, भजन भी देखो कैसा शुरू हुआ। ए प्रभु कोई आज का नाता थोड़ी है, बहुत पुराना नाता है, पर भगवान कहते हैं तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। भगवान कहते तेरा हृदय रूपी घर जो है ना, जिस दिन उसमें भक्ति रानी आकर के विराजमान हो जाएगी और घर पूरी तरह खाली होगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल खाली होगा और भक्ति महारानी उसके अंदर विराजमान होगी, तो भगवान कहते उस दिन फिर मैं तेरे से दूर उस दिन मुझे तेरे घर पर कब्जा करना ही करना। फिर भगवान हमारे घर पर आकर के कब्जा कर लेते हैं, पर भगवान कहते जब मैं कभी झांक करके देखता हूँ ना, तो महाराज जिसके अंदर तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है, किसी कोने में क्रोध बैठा है, किसी कोने में मोह बैठा है, किसी कोने में लोभ बैठा है, और ईर्ष्या तो इतनी बैठी हुई है जिसका कोई अंत नहीं है, ईर्ष्या तो इतनी है जिसका कोई अंत नहीं है। ईर्ष्या से तो हम दूर हो रहे हैं आज, पता है आपको इतनी ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा हो गई कि बुद्धि विकृत हो गई, दूर होते जा रहे हैं आपको पता है।
आप अपने अस्तित्व से, अपने आप से दूर, भगवान से दूर होने का मतलब आप अपने आप से दूर हो रहे हो, अपने साथ धोखा दे रहे हो। भगवान कहते हैं तो तैयार हैं, और भगवान कहते हैं जिस दिन मुझे पता चलता है कि आज तेरा घर बिल्कुल खाली है और भक्ति महारानी उसके अंदर विराजमान है और उसने इसको खूब सजाया है, भक्ति की सुगंध से खूब सजा है तेरा घर, भगवान कहते फिर मैं अपना वैकुंठ भी छोड़ देता हूँ और आ करके तेरे घर पर कब्जा करके ऐसा बैठता हूँ कि एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाए तो भी तुम मुझे निकाल नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध रहा होगा तुम्हारा परमात्मा के साथ, कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा, तभी तो यार आकर के यहाँ बैठते हैं। आप उस संबंध को और मजबूत बनाओ, अगर जीवन जीने की कला को समझना है तो तेरी मेरी तोड़ दे बजाए, तेरी मेरी तोड़ दे बजाए, ये हो मंगले ये हो जोड़ी बनी रहे।
सतगुरु सेवा ट्रस्ट के प्रधान वासुदेव जी की और शिव मंदिर अजनाला के प्रधान हमारे रूपाल जी की गोदी बनी रहे। हम आए या ना आए पर इसी तरह यहाँ पर महफिलें सजती रही। सती का त्याग मेरे भोलेनाथ, भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते भैया, भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते। जो एक बार भगवान के शरणागत हो जाता है उसका त्याग नहीं करते। और माँ सती का चरित्र बता रहा है, मैंने कल भी कहा था, भगवान की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए होती है। वो हम जैसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं इस धरती के ऊपर। भाई देख ले, भोलेनाथ ने त्याग किया। क्यों त्याग किया, क्या गलती करी माँ सती से, क्या गलती हो गई थी, झूठ बोल दिया भोलेनाथ। देखिए कि झूठ, हम तो दिन भर झूठ बोलते हैं महाराज, और तो परमात्मा के घर भी बोल जाते हैं, और तो सदगुरु से भी बोल देते हैं, संतों से भी बोल देते हैं। इतने बहादुर हैं हम लोग, डरते नहीं है जरा भी। पर भगवान कहते हैं मैं सदा तेरे साथ हूं, पर जब तू मेरे साथ छल करता है ना, कपट करता है ना, दंभ करता है, पखंड करता है, झूठ बोलता है, उस वक्त फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये चीजें मेरे परमात्मा को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नमा। क्या करती है बड़ी बड़ी कथाएं सुन के, क्या करोगे? मैं कहती हूँ कि इतनी सी बात ही समझ लो, और कहीं भगवान ने हमारा त्याग कर दिया महाराज, कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जे संसार जिसके ऊपर को इतना भरोसा है, जब लग तेरी जेब में पैसा है तब लग ताको यार। पैसा जेब में यार अंग संग में डोले, और पैसा रहे न पास यार मुख से न बोले। ये कब तक तुम्हारा है संसार जानते हो, जब तक तुम्हारी जेब में कोई किसी का नहीं बनता महाराज। और सब कुछ छूट जाए प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं। देख लो हम जैसों को देख लो, ना घर ना परिवार ना कुछ, सारी जिंदगी उसके लेके लगा दी बोनी जी, बचपन से लेके 17 वर्ष की उम्र से लेकर के अब मैं 60 वर्ष होने को जा रही हूँ। क्या कमी है मेरे जीवन में? क्या तुम्हारा एक एक घर है हमारे चार चार घर है। तुम्हारे घर में पता नहीं कोई सेवा करने वाला होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए सेवा करने वालों की लाइन लगी होती है। हमारी बारी आए, हमारी बारी आए, इसलिए क्योंकि उसी पर भरोसा रखा, उसके आश्रित हो गए। सौंप दी जीवन के रथ की डोरी उसके हाथ में सौंप दी। 18 छोटी सेना को लेकर लड़ने वाला कौरवों का वंश हार गया, मात्र भगवान को साथ लेकर के चलने वाले 5 पांडव जीत गए।
इसलिए भगवान से कहना, मैं ये नहीं कह रही संसार छोड़ दो, मैंने पहले शुरू ही बात ही कहां से करी, हम सब यात्रा में हैं, सब यात्री हैं, बस बढ़िया व्यवहार करो इनके साथ, प्यार करो इनके साथ, लेकिन कहीं इनके स्नेह जाल में, मोह जाल में इन्हीं के साथ चिपक मत जाना, क्योंकि वो काले कोट वाला आएगा तुम्हें गाड़ी से एक न एक दिन उतारेगा। तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, ए हो मांग मेरे दिल की पुकार, ए हो मांग मेरे दिल की पुकार, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, सुनो सरकार, तेरी मेरी तोड़नी बजाए, तेरी बिनती सुनो सरकार, तेरी मेरी तोड़नी बजाए। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, स्तपो न तप्ता वैमेव तप्ता, भोगों ने इतना भोग लिया हमें महाराज, भोग जवान ही रहे हम बूढ़े हो, हमारी इंद्रियों को शिथिल कर दिया, हम इतने गुलाम बन गए माया के, पर जो उसकी खुराक लेता रहता है ना, जो उसकी खुराक से जुड़ा रहता है, वो कभी कमजोर नहीं होता। बड़े प्यारे शब्द सब लोग बोलिए, राम राग के शीर खाता चार पास शोरे, जोड़ी रखी मेरी तार नाल, इधर वालों को कितनी शर्म आ रही है ना, बढ़िया रहोगे उसके साथ जुड़े रहोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, नहीं तो जिस दिन उसने आपका परित्याग कर दिया ना, नहीं आएगा और फिर मेरा भोला अखंड समाधि में चला जाएगा, तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, अखंड समाधि में चला जाएगा, नहीं देखेगा तुम्हें, कितना मर्जी रो लेना चिल्ला लेना जो मर्जी कर लेना, नहीं सुनेगा, और कहीं खुली समाधि
को जरूर देख लेगा पर अपने पास नहीं बिठाएगा। माँ सती को पास नहीं बिठाया महाराज, वहां भाग में माँ सती को आसन नहीं दिया मेरे भोले बाबा, ऐसे दूर आसन कर दिया बैठ। माँ सती समझ गई कि मेरा परित्याग हो चुका है, मेरा त्याग हो चुका है, चैन नहीं आ रहा, कुछ कह नहीं सकती। देखा आकाश मार्ग से बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, भोलेनाथ से डरते डरते पूछती है ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया है, मैं सारे वहीं जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें संदेशा नहीं आया तो क्यों जाऊंगी। बोली पिता के घर संतों के पास सत्संग में बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए, निमंत्रण के लिए नहीं सोचना चाहिए कि मुझे निमंत्रण आएगा मैं तब जाऊंगा। तुम्हारे तो घर घर जा करके कहा होगा कि आना भाई सत्संग आना भाई सत्संग आना, बिना निमंत्रण के जाओ। और फिर जो उसके बाद हुआ, प्यार करती है ना माँ पार्वती माँ सती भोलेनाथ, महाराज जब पिता के घर में भी गई ना तो पिता ने नहीं बुलाया, और बेटी के लिए सबसे दर्दनाक ये घड़ी होती है कि पिता के घर में जाए और पिता उसको ना बुलाए। वो तड़प उसकी, वो वेदना उसकी, वो बेटी ही समझ सकती है। इधर उधर जा रही है माँ सती, माँ ने बुलाया थोड़ा सा, थोड़ा सा बहनों ने भी बुलाया पर उपहास के साथ बुलाया, मन से नहीं बुलाया, क्योंकि जो भगवान से त्यागा जाता है वो कहीं भी मान नहीं पाता। तुम्हें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तुम्हें अपनी तार तुम्हें उसके साथ जोड़नी पड़ेगी। जहां जहां जाओगे महाराज लोग अलकों पर बिठाएंगे, तेरी मेरी तोड़ दे बजाए, 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 किसको बनाइए।
छोटे लगती हैं, पर जब तक इनको हम जीवन में धारण नहीं करते तब तक प्रभु कृपा के अधिकारी नहीं बनते। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कहीं भगवान से हम दूर ना हो जाएं, भगवान हमारा त्याग ना कर दे, तो उसके लिए हर पल प्रयासरत रहना चाहिए। साल में यही तो मुझे लगता है, साल के बीच भी यहाँ कोई कठिनाई होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये शिव मंदिर के प्रांगण की ये कथा मुझे लगता है कि साल की बड़ी विशेष कथा होती है। और तुम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते हो, पर बस मैं प्रभु को पसंद आ जाऊं और फिर देखो मेरे प्रभु की कृपा, बिना बुलाए ही दर्शन हो जाते हैं। देख लो तुम बुलाने गए इनको, तुम्हारे मन में था संत हमारे शहर में आएंगे, हाँ दो चार लोग जरूर गए होंगे। और कभी भी मेरे भोलेनाथ के आगे छल कपड़ झूठ फ्रेब लेकर के मत जाइएगा, पता नहीं त्रिनेत्रधारी कहते हैं उसे, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ कहने लगे राम जी की शादी में जाना है। पार्वती बोली मत जल्दी मत जाना। भोलेनाथ ने कहा क्यों, मेरे इष्ट की शादी है मुझे जाना है। पार्वती बोली एक बार आप तीसरा नेत्र खोल दिए थे तो सब कुछ भस्म हो गया था, कहां शादी का माहौल है, कहीं आप वहां जाकर के अपना खुशी में आकर के तीसरा नेत्र खोल दोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। महाराज मेरे भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, मेरा तीसरा नेत्र खुलता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जलाता किसको है, भस्म किसको करता है, विनाश किसका होता है। बोले जो राम पर सवार होता है उसका विनाश करता है, और जो राम के साथ जुड़ा होता है उसका विकास करता है। जीवन में विकास चाहते हो, जीवन में उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो बस ये दो चीजें आज यहाँ से लेकर के जाना, मन को इतना साफ बना लो कि मेरा परमात्मा आकर के उसके ऊपर कब्जा कर ले, कब्जा क्या कर ले उसमें आकर के, और फिर जीवन की डोर उसके हाथ में सौंप दी है। कितने प्रमाण दें, कितने प्रमाण, 20 सालों से प्रमाण ही तो दे रहे हैं, 20 सालों से। फिर चढ़ाइए एक बिल पत्र जा करके भोलेनाथ पर, वो भी स्वीकार होगा। फिर चढ़ाइए एक लोटा जल जा करके, वो भी स्वीकार होगा। नहीं तो मनो दूध चढ़ाते रहो मेरे भोले बाबा को, वो भी स्वीकार होने वाला। पहले अपने आप को बनाइए, शिव समान बनाइए, कल्याण की भावना हो तुम्हारे मन में, आग लगाने की भावना मत रखना अपने हृदय में, कल्याण की भावना, प्यार से बोलना है सबके साथ, भाव के साथ बोलना है, किसी को गुमराह नहीं करना है। अगर कहीं कोई अपने पथ से भटक भी रहा है तो काउंसलिंग करो, उसके साथ बैठ करके उसके साथ विचार विमर्श करो, तू यहाँ गलत है मैं यहाँ गलत हूँ, हम दोनों अपने में सुधार करें, तो महाराज व्यवस्था बड़ी सुंदर बन सकती है। नहीं तो तुम्हारे इस बिहेवियर से एक तुम ही प्रभावित नहीं होते हो, सारा समाज प्रभावित होता है तुम्हारे गलत व्यवहार से, तुम्हारे गलत बिहेवियर से। इसलिए आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बोनी जी को भी मैं ये बात जरूर कहूंगी, बोनी जी
अभी भगवान की कृपा आपके ऊपर और सकाल पुरख वाहिगुरु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बार बार आपको वो मौका देता है, बार बार आपको सेवा देता है, बार बार सेवा का प्रसाद आपकी झोली में आता है और भगवान आपको अच्छा स्वस्थ दे, लंबी उम्र दे और ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यक्तित्व समाज के अंदर रखो कि जो भी बेचारे मतभेद की चपेट में आ रहे हैं सब एक हो जाए, सब एक हो जाए। इतना इतना सा काम सेवा के साथ साथ ये भी जरूर करना, ऐसा व्यक्तित्व अपना समाज के अंदर रखना। क्या ले जाना है संसार से महाराज, राग ईर्ष्या द्वेष फैला करके क्या करोगे, खुद भी जल रहे हो दूसरों को भी जला रहे हो। घरों के अंदर भी मैं कहूंगी, तुम्हारे परिवारों के अंदर भी इतनी शांति होनी चाहिए, इतना समन्वय का माहौल होना चाहिए आप लोगों के परिवारों में भी, खुद भी मस्त रहो और दूसरों को भी मस्त रहने दो। बोलो शंकर भगवान की, दस सिर काट काट के रख दिए भोलेनाथ के आगे, कितने दस सिर, किसने काटे हैं, किसने काटे थे बच्चों, आप ही बोला करो, नॉलेज होनी चाहिए आपको। जब रावण भोलेनाथ की पूजा करता था, जानते हो पूजा में कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, लेकिन महाराज रावण जैसा विद्वान वो अपनी मुंडी ही काट करके, सिर ही काट करके चढ़ा देता था, भोलेनाथ फिर नया लगा देते थे और वरदान भी देते थे कि कोई भी तेरा सिर काटेगा फिर नया आ जाया करेगा। लेकिन क्या फायदा हुआ, दस दस सिर चढ़ाने का क्या फायदा हुआ, भोलेनाथ जो चाहते थे वो बना तो नहीं। और जब विनाश की कगार पर आकर के बैठा तो किसी ने कहा भोलेनाथ सहायता करेंगे तेरी, भोलेनाथ क्यों सहायता करेंगे, तू जो मर्जी चढ़ा दे पर जैसा मैं बनाना चाहता हूँ अगर तू वैसा नहीं बनता तो चाहे कुछ भी चढ़ाता रहे मेरे ऊपर कोई उसका असर और भाव है तो, विश्वास है तो, श्रद्धा है तो, निर्मल मन है तो, जा करके एक लोटा जल चढ़ा आइए महाराज, उसी में तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। मैं अपनी वाणी की पुष्पांजलि भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करूं। एक छोटा सा भजन और बोलना चाहूंगी, फिर हम बाबा जी को बैठ कर आए, बहुत टाइम गवा दिया आपने, बहुत टाइम गवा दिया, तीन दिन गवा दिए, अब एक दिन और रह गया है और वो तो इतना विशेष दिन है, इतना विशेष दिन है जिसकी कोई सीमा नहीं है महाराज, अगर कल भी कोई वंचित रह जाएगा तो उसके जितना कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा समाज में, कल कोई व्यक्ति घर में नहीं रहना चाहिए, कोई जीव कल घर में भोलेनाथ को सो के आना, तू जाने तेरा घर जाने तेरा परिवार जाने, मैं तो चला, कहां जाना है कल, भोलेनाथ की चढ़े आशीर्वाद दे प्यार रंग, 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 बुद्धि के अधीन सच सार रंग, चढ़े प्यार दा।
दुनिया सारी है।
प्यार के साथ हमारा बड़ा प्यार है, यही प्यार है। अरे हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो कोई बुलाता नहीं, हमें तो कोई रंग चढ़े अशिमा दे प्यार दा, रंग चढ़े अशिमा दे प्यार दा, रंग चढ़े अशिमा दे प्यार दा, रंग चढ़े अशिमा दे प्यार दा। Sorry.
छूटेगा नहीं। महफिल पूरी की पूरी अभी ये तो कुछ भी नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रेलर था। अभी आप देखना, सब लोग बैठे रहना। लोग कई कई रात जाते हैं जब भगवान का उत्सव मनाते हैं, कई कई रात जाते हैं। अभी बाबा जी के यहाँ पर बाबा शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज जी का प्राकृतिक उत्सव मनाया गया। एक महीना लगातार, पूरा एक महीना महाराज दिन रात एक था। शहीद बाबा गुरुद्वारा होशियारपुर में दिन रात एक, पता ही नहीं था दिन कब जाता है रात कब जाती है। ये होता है प्यार। तो सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, बाबा जी का आशीर्वचन आप सबको खूब खूब मिले और उनकी कृपा आप सब पर खूब बरसे। बड़े शांत चित्त से बैठ करके सुन बोलिए सब। सतनाम करता मुख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी गौशाला के स्वर्ण जी दे शोभा यात्रा शुरू होनी सी। असी सारिया संगतां ने कल का प्रोग्राम बनाया होया सी, कल नूं अजनाले जाना है, समय से तुरन गे दर्शन करांगे। पर शोभा यात्रा के बच्चे जान ना, जिन्हें असी बैठे हैं बस इन्ने जाने शोभा यात्रा च गए। उत्थे जान दे नाल महाराज जी की याद आ गई। उत्थों आउंदे आउंदे सेवादारां नाल गल कीती, मैं कहा मेरा मन कहिंदा है अज अजनाले चलीए, महाराज जी के दर्शन करके आईए। गुरु प्यारी सतसंग जी, असि 6:10 से तुरे ते तुहाडे कोल पहुंच गए। ते मन विच ये विचार सी कि चाहे महाराज जी के मुखार पर चों उस परमात्मा की बाणी का चाहे किनका साढ़े कन्ना विच साड़ी अंतर आत्मा दे विच चला जाए, वो ही बहुत है, जाना जरूर है। सो असी आए, बड़ा आनंद आया। तो मैं इत्थे हमेशा की तरह महाराज जी नूं नमस्कार। बेटा हिलो ना, हिलो ना, बस कोई हिलो ना। मारे मैं तीन रूप देखे है। महाराज जी भोले का प्रोग्राम भी करते हैं। मैं संगत को एक बेनती करा कि ये शरीर को शरीर मत समझना, इस शरीर के जरा ध्यान टिका के देखो, ये अंदर एक जोत है। वो जी जोत है ना, कभी भोले की जोत बनती है, कभी राधा की जोत बनती है,
कभी कृष्ण की जोत बनती है ते कभी बाबे नानक की जोत बनती है। ये जोत है महाराज जी के अंदर। किसी ने सच ही किया है सीधा चल होके गुरुआ मेरा अड़िया ना कर मन में अड़िया ना कर मन में मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मूल पछाणे ता सह जाने मरण जीवन की सोची हुई महाराज जी ने अंतर आत्मा दे विच इक जोत है उस जोत की पहचान जेड़ा ध्यान लावेगा उसनू होवेगी। कदी आओ पहला मैं दो पंक्तियां बोल के महाराज भुवनेश्वरी देवी जी नू उन्हां दी अंतर आत्मा नू उन्हां दे अंदर जग रही जोत नू मेरा नमस्कार है। उस जोत नू ही ये चंद शब्द कदी कदी राम बन के कदी श्याम बन के कदी राम बन के कदी श्याम बन के चले आना प्रभु चले आना प्रभु चले आना प्रभु चले आना प्रभु। जपो सारी संगत कभी राम बन के चले आना चले आना प्रभु चले आना प्रभु चले आना प्रभु। दुख होए सुख होए हमेशा अपने गुरु नु याद करो हमेशा दिता हुआ गुरु का सिमरन नाम शब्द उसका अभ्यास करो। यही साडे मुर्शिद फरमाते हैं इस जोत नूं याद करना इस जोत का ध्यान लाना जब तुसी शब्द के नाल जुड़ोगे तो जोत जोत दे नाल अभिहित हो जाएगी। जिवें महाराज ने कहा कि असी तुसी सब एक ते एक दी गल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कीती है अवल के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। धन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाई होना जी। सारे जने सदस्य मिलन पहला। धन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाई होना जी। धन बाबा दीप सिंह सारे जपो। धन बाबा दीप सिंह जी सब का सहाय सब का सहाय सब का सहाय होना जी सब का सहाय होना जी सब का सहाय
भोले ने कृष्ण ने राधा जी ने श्री गुरु नानक देव जी ने और मेरे परम पूजनीय बहुत बड़ी निम्रता की मूर्त स्वामी भुवनेश्वरी देवी जी के अंतरात्मा में जो ज्योत विराजमान है, जिस ज्योत के दर्शन मैंने किए, उस ज्योत को बेनती करें, दुख थोड़े थोड़े सारी संगत ने साथ दिया, दुख थोड़े थोड़े नहीं कितने दूर ही ना जाइए, सुख इन्हें बिना नहीं हो, सुख इन्हें बिना नहीं दाता तेनू भूल जाइए, सुख इन्हें बिना नहीं हो, सुख इन्हें बिना नहीं दाता तेनू भूल जाइए, दुख थोड़े थोड़े I'm
बाबा जी नु याद करिए, क्योंकि जिथे महाराज जी दे अंतर आत्मा दे बाबे नानक की जोत, इस युग में इस संसार की जो अब अवस्था है, इस अवस्था में पूर्ण संतों का मिलना बहुत औखा है। अजनाला वालों, अगर कुछ नाम मिल रहा है, आपको नाम मिल रहा है, हंसते हंसते महाराज आपको नाम दे देते हैं, जो उस नाम का सिमरन करता है, उस नाम का उच्चारण करता है, उसके उसकी किस्मत बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है उसकी। पर श्रद्धा से, प्रेम से जब हमारे कर्म जागते हैं तो ऐसे संतों की संगत होती है, सत संगत में बहुत कुछ प्राप्त होता है। अपने बच्चों को लेकर आओ, आप आओ और ऐसी जोत के लिए मेरा सिर झुकता है और मेरे लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं, मुझे लफ्जों का एक फिर आता नहीं है, लेकिन जो सीधे साधे निकल जाते हैं वो गुरु की कृपा से है। मैं अपने बाबा दीप सिंह जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि अजनाला वासी हमेशा खुश रहें और इन पर ऐसे पूर्ण संत मेरी बहन बाबा दीप सिंह जी के अरदास है। सुहाओ एक धारणा बोल के समाप्ति। गुरु महाराज जी की अपार कृपाया पापा जी त्वमेव सर्वं मम देव देव।
भक्ति दान मोहि दीजियो गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निज दिन तुम्हरी सेव, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पर सरोज अन पायने भक्ति सदा सत्संग, नाथ मोहे ना बिसारियो लाख लोग मिल जाए, आपको मुझसे बहुत है मुझको आप से नाम, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, धर्मपति जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, भक्त मंडली की जय हो, हरे हरे महादेव, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लाओ भक्तजनों से प्रार्थना है कि कल प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास जो भी शिव मंदिर हो मंदिर में जरूर जाए और एक लोटा जल भोलेनाथ पर जरूर चढ़ा करके आना। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो कल भोलेनाथ पर जल ना चढ़ाए। बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी वाली कृपा होती है कल जो जल चढ़ाया जाता है भोलेनाथ पर। ना भोले जी मेरा भोग गरीब दानव, शिव जी हमारे हैं।